दिस अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड, कॉन्टेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। अगर आपकी वेबसाइट भी वर्क नहीं कर रही है, आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेल चेक करें, क्या आपको अकाउंट सस्पेंड का मेल आया है। अगर नहीं आया, फिर चेक करना है आपका जो सी पैनल है वो लॉगिन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करें और अपना सी पैनल लॉगिन करें। जब मैंने अपनी वेबसाइट चेक करी तो मुझे ये प्रॉब्लम मिली, और फिर मैंने मेल चेक करा तो मुझे कोई मेल नहीं आया था। मैंने डायरेक्ट अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करा और वहाँ से मुझे एक मैसेज आया, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग आवर सपोर्ट टीम, प्लीज़ चेंज योर डोमेन नेम सर्वर टू, ये है मेरे नेम सर्वर, एंड ऑटो लॉगिन सी पैनल सिस्टम इज अंडर मेंटेनेंस, सो लॉग इन योर सी पैनल फ्रॉम दिस लिंक विद योर सी पैनल यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक करा और यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है, मैंने लॉग इन करा और ये मेरा सी पैनल लॉग इन हो गया। ये लॉग इन करने के बाद अब बारी आती है डोमेन नेम सर्वर चेंज करने की। जहाँ से मैंने डोमेन परचेज करा था वहाँ जाकर मैंने नेम सर्वर चेंज कर दिए और सेव कर दिया। उसके कुछ ही टाइम बाद मेरी वेबसाइट वर्क करने लगी। ये देखिए, ये है मेरी वेबसाइट। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अकाउंट सस्पेंड का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए।